कौन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आलू गोभी मटर की सब्जी की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू काट लिए हैं, जिसको मैंने नमक के पानी में डाल के रख दिया है। और मैंने एक छोटी गोभी ले ली है, एक कटोरी मटर ली है, इसको भी अच्छे से काट लिया है और छील लिया है। ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, एक छोटी प्याज काट ली है, 4 से 5 हरी मिर्च और हरा धनिया। और इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। और ये मैंने 2 पैकेट अशोक मसाले लिए हैं, छोटे पैकेट आते हैं, मैंने वही लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को कर लेते हैं हम, एक कुकर ले लेंगे, सब्जी हम कुकर में ही बनाएंगे, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। कुकर देखिए मेरा अच्छे से हो गया है गर्म। अब इसी में डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद गोभी को फ्राई करेंगे। तेल हो चुका है गरम, अब इसी में गोभी फ्राई कर लेंगे। गोभी हो चुकी है फ्राई, इसको निकाल लेंगे। अगर आप इस तरीके से गोभी आलू बनाएंगे तो जिसको नहीं भी पसंद होगी सब्जी वो भी खाएगा। ये देखिए गोभी मैंने एक प्लेट निकाल ली है, अब इसमें 1/2 चम्मच तेल और डाल दीजिए। देखिए मैंने 1/2 चम्मच तेल और डाल लिया है, देखिए हो चुका है अच्छे से गरम। इसी में मेथी दाना डाल दीजिए, मेथी दाना 1/2 चम्मच डाल दीजिए, इसको अच्छे से डाल डाल दीजिए। देखिए इसी में डाल देंगे तेज पत्ता, और ये जो मसाले निकाले थे ये भी इसी में चले जाएंगे। देखिए मसाले मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पूरे मसाले इसी में डाल देंगे, इसको वेस्ट नहीं करना है। इसको अच्छे से चला लेंगे, फ्लेम को कर देंगे स्लो। ये मैंने जो टमाटर और प्याज ली थी इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये भी इसी में जाएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। Thank you.
इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। इसको अच्छे से भून लीजिए धीमी आंच करके। देखिए मसाला भून गया है, इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसी में आलू डाल देंगे और डाल के 2 मिनट तक और इसको भून लेंगे। इसको भी अच्छे से भून लें। इसको भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसी में गोभी डाल देंगे। ये जो तेल है इसको भी इसी में डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे। इसी में पानी डाल लेंगे, कम से कम 2 कप पानी डालिए इसमें। इसी में जो हरी मिर्ची रखी थी वो काट ली है, वो डाल दी मैंने। हरी धनिया भी डाल देंगे। अब इसको स्टीम लगा के 2 से 3 स्टीम आने तक इसको पका लेंगे। 2 से 3 सीटी हो चुकी है, अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। उसके बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुकर मैंने खोल लिया है, सब्जी हो चुकी है तैयार। इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। मैं इसको सर्व करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइए और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।